अंजलि, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल लेक्स 9 न्यूज में। आज के इस वीडियो में बात करने वाली हूँ बच्चन फैमिली के बारे में, यानी कि आज को एक खास प्रोग्राम होने वाला है बच्चन फैमिली की बहू ऐश्वर्या राय बच्चन को लेकर। जी हाँ, आपको बता दें कि जिस तरह फिलहाल जया बच्चन कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं, कोविड पॉजिटिव होने के बाद बच्चन फैमिली फिर से एक बार सुर्खियां बटोर रही है। वहीं पर जया बच्चन अभी आइसोलेशन में है, क्वारंटाइन पीरियड में है वो, और इस तरीके से अमिताभ बच्चन ने भी सोशल लाइफ से थोड़ी सी अपना जो कहते हैं दूरियां वो बढ़ा ली है। और वहीं पर हम बात करें आज के इस खास प्रोग्राम की, तो हम बात करने वाले हैं जया बच्चन की लाडली बहू ऐश्वर्या राय बच्चन को लेकर, जिनका एक किस्सा खूब वायरल हो रहा है कि किस तरीके से जिस दौरान अभिषेक और ऐश्वर्या की शादी हो रही थी, उस दौरान एक एक्टर ऐसे थे जो चोरी छिपे ऐश्वर्या राय की शादी देख रहे थे, वो भी दूरबीन की मदद से। जी हाँ, तो आखिर है कौन ऐसे एक्ट्रेस? आपको तो पता ही है किस तरीके से ऐश्वर्या राय बच्चन के बॉलीवुड में भी कई दीवाने रहे हैं, इसके साथ ही आम जिंदगी में भी उनकी फैन फॉलोइंग और उनके दीवाने काफी हैं। तो आखिर कौन है ये एक्टर जो इतने बेताब थे ऐश्वर्या राय बच्चन की शादी देखने के लिए? जानने के लिए देखिए हमारा ये प्रोग्राम लास्ट तक। ऐश्वर्या राय अपनी शादी में कितनी खूबसूरत दिख रही थी ये बताने की जरूरत नहीं है। एक्ट्रेस की फैन फॉलोइंग शादी के बाद भी कम नहीं हुई, यहाँ तक कि एक्ट्रेस की शादी में तो एक बॉलीवुड एक्टर दूरबीन से ही उन्हें देखने लगे और इस बात का खुलासा सालों बाद हुआ। यह किस्सा बॉलीवुड के फेमस अभिनेता अर्जुन कपूर के चाचा संजय कपूर से जुड़ा हुआ है, जो ऐश्वर्या राय के एक बहुत ही बड़े फैन हुआ करते थे, जिसका अंदाज सिर्फ इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने दूरबीन के जरिए ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन की शादी देखी थी, जिसका खुलासा खुद ही एक टीवी शो के दौरान अभिनेता अर्जुन कपूर ने किया था। अर्जुन कपूर ने टीवी रियलिटी शो फ्लैशलाइट्स ऑफ बॉलीवुड में संजय कपूर की पत्नी महीप कपूर से जुड़ा एक और दिलचस्प किस्सा भी शेयर किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन की शादी को दोनों ने एक साथ मिलकर दूरबीन से देखा था, जिसके बाद महीप कपूर ऐसा कहती हुई नजर आती हैं कि उनके पास सिर्फ एक ही दूरबीन मौजूद थी जो अर्जुन कपूर के घर पर छूट गई थी। और ऐसे में उन्होंने जब अर्जुन कपूर को उसे लौटाने के लिए वापस बुलाया था, तब उन्होंने बताया था कि आखिर उन्होंने दूरबीन से क्या किया। उन्होंने बताया कि उन्होंने अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय की शादी देखने के लिए दूरबीन का इस्तेमाल किया था और उसके साथ साथ खूब तालियां बजाई थी। दूरबीन का इस्तेमाल किया था और तालियां बजाई, दूरबीन के जरिए उन्होंने यह भी देखा कि शादी में आखिर कौन कौन से लोग शामिल हैं और किस तरह के बेहद ग्रैंड और शानदार सेलिब्रेशन में ऐश्वर्या और अभिषेक की शादी हुई थी। आपको बता दें ऐश्वर्या राय बच्चन और बच्चन फैमिली सुर्खियों में अक्सर ही रहती है, तो वहीं पर उनके लव लाइफ के चर्चे भी काफी ज्यादा मशहूर हैं और जिस तरीके से वो बच्चन फैमिली की बहू हैं, इसके साथ ही उनकी बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपनी एक अलग पहचान है। इसके चलते ऐश्वर्या राय बच्चन काफी सुर्खियों में बनी रहती है। पनामा पेपर्स हो या फिर उनकी खूबसूरती की चर्चा, बॉलीवुड इंडस्ट्री में सदाबहार एक्ट्रेस की तरह जानी जाएंगी ऐश्वर्या राय बच्चन। और उनके ऐसे ही कई किस्से सोशल मीडिया और इंटरनेट पर, इसके साथ ही बॉलीवुड पर भी काफी ज्यादा वायरल होते हुए नजर आते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह ये एक्टर ऐश्वर्या राय बच्चन के पीछे इस कदर पागल थे कि दूरबीन लिए उनकी शादी देखने तक पहुंच गए। जी हाँ, इनकी हिम्मत उनकी शादी तक पहुंचने की तो नहीं हो पाई, लेकिन दूरबीन देख के उन्होंने अपनी माशुका की शादी तो आखिरकार देख ही ली। जी हाँ, तो यहाँ पर बॉलीवुड का ये किस्सा काफी ज्यादा वायरल होता है बच्चन फैमिली का, ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन की शादी का ये सिलसिला। तो आपको रिपोर्ट ये प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। अंजलि की रिपोर्ट, नेक्स्ट 9 न्यूज़।